तुम ट्राई करके आना ठीक है ना करके आना ट्राई सही आगे बढ़ते हैं अब सुनिएगा फॉर वन डायमेंशनल मोशन फॉर क्या वन डाइमेंशनल मोशन इफ फोर्स इज क्या रेडियल ठीक है वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ओनली डिपेंड्स अपॉन रेडियल डिस्टेंस जैसे क्या है ना कि जैसे मान लीजिए को कोई m1 मास है और कोई क्या है बताइए एम टू मास है तो जनरली दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कैसे दिखाते हैं आर से दिखाते हैं अरे याद है सब देखा है कभी हम लोगों ने एम वन एम टू बीच का रेडियल डिस्टेंस बोला बोला जाएगा क्या बोला जाएगा क्या इसको रेडियल रेडियल डिस्टेंस बोलने के पीछे एक रीजन है रीजन यह है कि जैसे मान लो कि कोई मास एम वन है चलो ना इसको सन मान लिया जाए क्या मान लिया जाए ये सन है और यहाँ पे क्या है अर्थ है इसके मास को m2 मान लिया जाए तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड ऐसा रिवॉल्व ना कर रहा है बोलो ना तो सन अर्थ पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा इधर की तरफ अरे सन अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा ना और ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के हम चीजों को खींचते हैं तो सन धरती को ऐसे खींच रहा हो होगा बताइए ये धरती घूम फिर के जब यहां पहुंचेगी तो सन धरती को अभीधरन खींच रहा होगा अरे बोलो जल्दी ठीक हाँ है धरती जब यहां पहुंचेगा तो सन धरती को इधर की तरफ खींचेगा ये समझ में आ रहा है तुमको नहीं लग रहा है कि ये जो फोर्स का डायरेक्शन है वो तो हमेशा सेंटर की तरफ आ रहा है हाँ ठीक है चेंज हो रहा है लेकिन हमेशा किसकी तरफ आ रहा है सेंटर की तरफ आ रहा है और अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो बताओ इस वाली चीज को क्या बोला जाता है रेडियस बोला जाता है तो आपको नहीं लग रहा है कि किसी भी इंस्टेंट पे धरती पे जो फोर्स है वो हमेशा रेडियस के अलॉन्ग लग रहा है तो जो जब चीजें हमेशा रेडियस के ही अलोंग हो तो उनको बोला जाता है रेडियल क्या बोला जाता है रेडियल बोला जाता है ठीक है अच्छा वेलोसिटी की बात करें बाबू तो वेलोसिटी तो इधर की तरफ ना होगा वेलोसिटी किधर होगा रे मैंने कहा था ना कि इसको गाड़ी समझ लेना तो गाड़ी के हेडलाइट के फोकस की तरफ होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन यहां होगा तो इधर होगा यहां होगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन को टेंजेंशियल डायरेक्शन बोला जाता है क्योंकि ये टेंजेंट के अलोंग है इस डायरेक्शन को क्या बोला जाता है रेडियल बोला जाता है ठीक है तो कहीं ना कहीं देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बोलो वो डिपेंड करता है जैसे दोनों एक दूसरे पर अगर मान लीजिए एफ एफ फोर्स लगा रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर ये तो बचपन में देखा होगा आप लोगों ने तो ये फोर्स जो है वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है आर पे सिर्फ एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है नहीं पिछली बार जो था पिछली बार जो था

एक ही वेरिएबल पर पर डिपेंड करेगा जैसे मान लीजिए सिर्फ एक्स पे ही डिपेंड कर रहा है फोर्स सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है एक्स पर डिपेंड कर रहा है चलिए यही पर हम लोग आते हैं तो अगर इस पूरे में सिर्फ एक्स ही होता जैसे यू बराबर अगर मान लीजिए माइनस एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस होता तब अगर हमसे फोर्स पूछा गया होता बोलो ना इसमें वाई और जेड कहीं है ही नहीं तो क्या ये पूरा लिखना जरूरी था मैं, हा माइनस तो हम लोग लिखते हैं माइनस तो हम लोग लिखते हैं हम डेल यू बाई डेल एक्स भी लिखते हैं क्योंकि एक्स तो है ना एक्स तो है ना तो हम लोग लिखेंगे डेल यू बाई क्या बताइए डेल और फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए आई क्या भी लिखते हैं बाकी के टर्म्स लिखने की जरूरत है अगर हम डेल यू डेल जेड कर भी लेते हैं सॉरी डेल वाई कर भी लेते हैं ठीक है क्या हुआ हाँ कर भी लेते हैं चाहे डेल यू बाई डेल जेड अगर हम लिख भी देते हैं तो इसमें कहीं वाई है क्या तो इसके लिए तो ये सारा ना हो गया इसके लिए भी सारा कॉन्सेंट हो गया इसका मतलब हुआ कि ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं है तो आप ये मत लिखिए ठीक है अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है एक बात और अगर मान लीजिए आपने सिर्फ यही एक लिखा है तो आपको डेल भी लिखने की तब जरूरत नहीं है डेल का कॉन्सेप्ट कब आता है पार्सल डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट कब आता है जब एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो क्या जरूरत है इसको तब डेल यू बाई डेल एक्स लिखने की सिंपल लिखो इसको डी यू बाई क्या डी एक्स लिखो अगर सिर्फ एक्स पे ही डिपेंड कर रहा है तो डी यू बाई डी लिखो और डायरेक्शन के लिए लगा लो क्या आई कैप लगा लो समझ में आया क्योंकि अगर <coughs> डेल्यू बाई डेलेक्स भी करते तो यही ना करते X को वेरिएबल मानते बाकी सबको मानते तो बाकी सब तो है ही नहीं है बोलो तो वही चीज देखिए मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो कि फोर्स जो हो वो सिर्फ रेडियल डिस्टेंस यानी सिर्फ एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करता हो जैसे मान लो यहाँ पर वो किस पे डिपेंड कर रहा है आर पे तो उस केस में जब फोर्स का फॉर्मूला लिखा जाएगा ना तो माइनस तो लिखा जाएगा और तब डेल लिखने की जरूरत तब आप डी लिखिए डी यू बाई और फिर क्या लिख लीजिए डी आर लिख लीजिए एक्स पर डिपेंड करेगा तब ना एक्स लिखेंगे वाई पर डिपेंड करता है तो वाई लिखते हैं अभी किस पर डिपेंड कर रहा है तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे हमारे लिखेंगे माइनस डी यू बाई डी आर लिख लेंगे सही है और उसके बाद हम लोग यूनिट वेक्टर लगा लेंगे लेकिन अगर वन डाइमेंशनल मोशन की बात हो रही है ना किसकी बात हो रही है हाँ तो फिर वेक्टर का साइन लगाने की जरूरत किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे किसी एक डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेंगे तो इतने से काम हमारा चल जाएगा ठीक है एक बात याद रखिएगा अगर फोर्स नेगेटिव आ रहा है फोर्स कैसा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब हुआ वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा कैसे तो मान लो कि एक पार्टिकल यहां है दूसरा पार्टिकल यहां है तो इसी को ना हम लोग आर बोलेंगे अब अगर इस आर को हम पॉजिटिव मान रहे हैं और इस पर लगने वाला फोर्स अगर नेगेटिव है तो फोर्स इधर ना लगेगा बोलो ना इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन आप ऐसे ही ना ड्रॉ करिएगा अरे ये वो है है जिसने फोर्स लगाया है, और ये वो है जिस पे फोर्स लग रहा है ठीक है तो जो लगा रहा है वो अपने रेस्पेक्ट में पोजीशन देखेगा तो इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा ठीक इसको अगर हम लोग पॉजिटिव मान लें तो जो नेगेटिव फोर्स होगा उसको तो आप ऐसे ड्रॉ करिएगा तो आप बताइए ये जो फोर्स आया जिसको हम लोग नेगेटिव फोर्स की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि डायरेक्शन इधर की तरफ है आपको देख के क्या लग रहा है, ये के को दिखा रहा है कि रिपल्सिव नेचर के फोर्स को ये दिखा रहा है अट्रैक्टिव नेचर के फोर्स को तो याद रखिएगा negative... नहीं, नहीं ये चीज नहीं है हाँ ये ये चीज पढ़िए बताऊंगा नेगेटिव फोर्स मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स और बाबू पॉजिटिव फोर्स का क्या मतलब होगा कि अगर ये आर है क्या है आर है तो ऐसा फोर्स होगा तब ना बोला जाएगा कि आर भी पॉजिटिव एफ भी पॉजिटिव तो बताओ इसने इस पर अगर उधर फोर्स लगा दिया तो इस फोर्स को आप अट्रैक्टिव बोलिएगा कि रिपल्सिव बोलिएगा तो इसको रिपल्सिव फोर्स बोला जाएगा ठीक है तो नेगेटिव फोर्स का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होगा पॉजिटिव फोर्स का मतलब रिपल्सिव फोर्स होगा ये चीज एक और बात अगर मान लीजिए कभी ग्राफ बने यू वर्सेस आर का किसका ग्राफ बने यू वर्सेस आर का तो बताओ इस ग्राफ में du यू बाई डी आर का क्या मतलब होगा डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है स्लोप होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि यू वर्सेस आर ग्राफ के U वर्सेस आर ग्राफ के स्लोप का नेगेटिव स्लोप निकाल के उसके सामने क्या लगा दीजिए नेगेटिव लगा दीजिए वो आपको क्या देता है देता है है तो वो बात लिखा हुआ नेगेटिव ऑफ स्लोप बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स अरे तो आर क्या है दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो है डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स ये क्या है गिफ्स फोर्स होना चाहिए ना तो आप सुधार लीजिएगा गिफ्स क्या फोर्स ठीक है ये आपको फोर्स देता है सुधार लो तब उसमें भी गड़बड़ होगा कहीं उसमें ठीक है उसमें सही लिखा हुआ है ठीक हो गया ये ठीक है अब सुनिए <coughs> क्या है कि जैसे अगर हम कोई सॉलिड स्ट्रक्चर लेते हैं एनएससीएल का हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं तो आप जानते हैं कि उसमें दो आयंस होती हैं एन प्लस और सी माइनस दो आयंस होती हैं ठीक है और एन का जो क्रिस्टल होता है वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है तो मेरा सवाल है कि इसमें एन प्लस और सी माइनस जो होता है वो एकदम चिपका चिपका होता है कि दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है एन और सी के स्ट्रक के क्रिस्टल में ठीक है

डिस्टेंस अगर हैं तो आयोनिक डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स मोलिकुल इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस एटम्स हैं तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस तो वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट आता है थोड़ा सा एक बार हम उसको समझते हैं सबसे पहले तो ये बताओ यार कि की एनएसएल बनता कैसे है तो इधर से कहीं से आया इधर कहीं से आया सीएल अब इसके कम दाम वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होता है टू एट वन होता है नाइन्थ क्लास में जो पढ़ा है ठीक है इसका क्या होता है टू एट और सेवन होता है अब क्या है कि इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है उसको भी अपना दोनों चाहते हैं कि आखिरी सेल में आठ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए अब ये इसके पास देखो दो ऑप्शन है या तो अपने एक इलेक्ट्रॉन का कहीं दान कर दे अरे तो एक इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा तो यही ना आखिरी सेल वाला इलेक्ट्रॉन बचेगा हाँ जिसमें आठ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हो गया ऑक्टेट पूरा या फिर कहीं से ये सात इलेक्ट्रॉन्स को लेके आए कहीं से लेके आए अच्छा इसके लिए भी दो ऑप्शन है या तो कहीं से वो एक को बुला ले तो सात का दान कर दे आप बताइए इसके लिए क्या ज़्यादा आसान है तो नंबर देख के हम लोग बता सकते हैं एक को भगा देना ज्यादा आसान है सात को बुलाने के रेस्पेक्ट में है कि नहीं इसके लिए बताइए एक को लाना सात पहले से है बस एक को लाना है साथ को भागाना इसके लिए मुश्किल है ऐसा समझ सकते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि ये एक ऑटो है क्या है टेम्पो है जिसमें सीट है ठीक है ठीक तो आप बताइए कि वो ऑटो वाला सबसे ज्यादा अपने आप को स्टेबल कब महसूस करेगा जब उसमें कितना सवारी बैठ जाएगा आठ गो सवारी बैठ जाएगा एक एक भी कम रहेगा ठीक है तो वो अपने आप को उतना स्टेबल महसूस नहीं करेगा अब पता चल रहा है कि एक सवारी दो घंटा से बैठा हुआ है उस ऑटो में एक के आदमी बैठे हुए कितने देर से वो इंतजार कर रहा है कि कोई और आता कोई आ ही नहीं रहा एक ही आदमी बैठा हुआ है और ये एक ऐसा ऑटो है जिसमें सात सवारी हो चुका है आप बताइए अभी इसकी मेंटेलिटी क्या होगी इस आदमी की मेंटेलिटी क्या होगी दो घंटा से एक ही आदमी बैठा हुआ है तो क्या सही में अभी ये सोच भी रहा होगा कि हमको अपना ऑटो भरना है ये तो यही सोच रहा होगा कि अगर ये जो एक आदमी बैठा है ये भी अगर चला जाता तो हम भी घर जाते हम उस समय कुछ ज्यादा स्टेबल अपने आप को महसूस करता अगर ये भी उतर जाता है कि नहीं और ये बताओ क्या करे ये क्या चाह रहा होगा है तो दो ना, ना। मिनट रुक जाएगा नहीं जाने देना चाहेगा अब तुम सोचो क्या हो अगर ये दोनों एक दूसरे से मिल जाए तो दोनों एक दूसरे को अगल बगल आ जाए तो क्या होगा बताओ दोनों एक दूसरे को देख कर बहुत खुश हो जाएगा क्योंकि ये जो है चाह रहा है कि उसका एक सवारी जो है वो कहीं चला जाता और यह चाह रहा है कि इसके पास एक सवारी आ जाता तो ऑब्वियसली बहुत खुशी खुशी ये इस एक इलेक्ट्रॉन का दान इसको कर देगा है कि नहीं तो इसका भी ऑप्टेट पूरा हो गया इसका भी ऑप्टेट पूरा हो गया दोनों अपने आप को पहले से ज्यादा स्टेबल महसूस करेगा देखिए ट्वेल्थ क्लास के पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ये बात बहुत डिटेल में देखेंगे कि जब कभी भी किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है तो जैसे ही सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला ये क्या बन गया एन ए प्लस बन गया और बाबू में इलेक्ट्रॉन गया वो क्या बन जाता है हाँ इलेक्ट्रॉन की कमी इलेक्ट्रॉन का निकलना क्रिएट करता है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की अधिकता एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट करता है नेगेटिव चार्ज अब ये कॉन्सेप्ट भी आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो क्या होगा दान करते ही दोनों एक दूसरे को फिर अट्रैक्ट भी कर लेगा और साथ साथ रहेगा हमेशा अरे बोलिए ना तो इस तरीके से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ठीक है लेकिन सवाल स्टिल वही है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेगा तो क्या जाके एकदम चिपक जाएगा तो उसके लिए आइए हम देखते हैं इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है अगर उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल दें आर बोल दें और इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिनोट कर दें यू से डिनोट कर दें तो हमको देखना है डिस्टेंस वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ठीक है बोलिए क्या देखना है डिस्टेंस वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखना है तो सबसे पहले एक काम किया जाए यहां पर हम लोग फिक्स कर लेते हैं किसको Na+ को और Cl- को मैं इस एक्सिस पर कहीं-कहीं रख के चेक करूंगा कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है और किधर लग रहा है तो सबसे पहले चलिए मैंने यहां पर सीएल माइनस को रखा है। इस पोजीशन को मैं कहता हूं ए और ये है क्या एक्चुअली ये सी एल माइनस है फिर मैंने कहीं यहां पर रखा ये कौन सा पोजीशन है यहां पर मैंने रखा सी एल माइनस को फिर देखो मैंने कहीं यहां पर रखा ये कौन सा पोजिशन है यहां पर मैंने रखा सी एल माइनस को फिर मैंने कहीं यहां पर इसको डी बोल दिया जाए और ये भी हो जाएगा आपका समथिंग सीएल माइनस मैंने सीएल माइनस को मैंने चार डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पर रख के देखा बोलो और ये चलो हटा देता हूं कचड़ा टाइप का दिख रहा है है कि नहीं तुम समझना कि ए बी सी डी पर रखा क्या हुआ है सीएल माइनस रखा हुआ है ठीक है और हमको पता करना है कि फोर्स कितना लग रहा होगा किधर लग रहा होगा तो सबसे पहले बात करेंगे कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर यही ना होता है yes, अरे बीच के सेपरेशन को हम आर से दिखा रहे हैं तो माइनस ऑफ डी बाई क्या होगा DR. DR होगा सबसे पहले बात करेंगे, एट कहां की बात करेंगे करेंगे की 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 अगर हमको पता करना है कि यहां पर माइनस को रखने से ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा किधर फोर्स लगाएगा तो उसके लिए हमको ये चीज ना निकालना पड़ेगा माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर और हम जानते हैं U R ग्राफ का ऐसा क्या है जो हमको dU यू बाई देता है स्लो जल्दी तो हम हम कोशिश करेंगे ये पता करने की कि इस पोजीशन पे कर्व का स्लोप कितना है तो बाबू रे इस पोजीशन पे कर्व यही पर ना है और स्लोप के लिए तो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है लगभग लगभग इस टेंजेंट का स्लोप कैसा आ गया जीरो आ गया अच्छा एक और बात है ये जो पोजीशन मैंने लिया है ये मैंने कहीं बहुत दूर लिया है दूर लेने का मतलब लगभग लगभग ये क्या है इनफाइनाइट है अरे यार बहुत दूर आ गए हो तो लगभग लगभग ये पोजीशन कैसा है इनफाइनाइट है तो वो जगह इनफाइनाइट है तो एक बात बताइए उस जगह पे स्लोप स्लोप जिसको हम डी यू बाई डी आर बोल रहे हैं, वो कितना आया है जीरो ना आया है अरे बाबू तो अगर डी यू बाई डी आर जीरो हो गया तो फोर्स भी कितना होगा इसका मतलब हुआ कि अभी एन ए प्लस सी एल माइनस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है और ये कॉमन सेंस वाली बात है अगर दो पार्टिकल्स इनफाइनाइट सेपरेशन पर हो इनफाइनाइट सेपरेशन पर है का मतलब क्या हुआ कि दोनों को अभी एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है इसको पता ही नहीं है कि यहां पे कोई है हम लोगों को पता है क्या है कि इनफाइनाइट पे क्या है नहीं पता है अगर पता चल गया तो फिर इनफाइनाइट क्या कर रहा है कि नहीं तो इसको उसके बारे में पता ही नहीं है तो फोर्स कहां से लगाएगा जा हाँ ठीक है अभी क्या करते हैं सीएल माइनस को थोड़ा यहाँ लेके आते हैं ठीक है तो कर्व ढूंढिए तो कर्व ढूंढिए कर्व यहाँ है ना अरे इस पोजीशन पे कर्व यहीं पे ना है तो आप क्या करिएगा आप टेंजेंट ड्रॉ करिएगा अरे बोलिए yes. टेंजेंट ड्रॉ करिएगा तो वो ऐसा आएगा और अभी हम कहा की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एट पोजीशन बी की अब आप बताइए कि अगर टेंजेंट ऐसा है तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा हमने हमने कई बार देखा है कि लाइन अगर ऐसे झुका होता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है लाइन ऐसे झुक जाता है तो स्लोप नेगेटिव होता है तो चूंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब हुआ कि डी यू बाई डी आर पॉजिटिव है और फोर्स क्या होता है माइनस ऑफ डीयू बाई डी आर जा और बाई डी आर कैसा है पॉजिटिव है तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव अल्टीमेटली क्या आ जाएगा इसका मतलब हुआ कि इस पर जो फोर्स लगेगा ना वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा अरे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी ना है तो उसका माइनस साइन क्या बताएगा डायरेक्शन बताएगा नेगेटिव डायरेक्शन में लगने का मतलब हुआ इस पर फोर्स किधर लगेगा इधर की तरफ लगेगा बोलो जल्दी अब इसको कौन सा फोर्स बोलेंगे अट्रैक्टिव फोर्स बोलेंगे कि रिपल्सिव फोर्स अगर एन ए प्लस इस सीएल माइनस को अपनी तरफ खींच रहा है तो इसको अट्रैक्टिव फोर्स ही ना बोला जाएगा ठीक है तो आप यहाँ पर लाके सीएल माइनस रखिएगा तो एन ए प्लस उसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा अब हम एक तीसरे पोजीशन की बात करें अगर हम बात करें एट कहाँ की सी की तो यहाँ पर अगर आप कर्व ढूंढिएगा तो बताइए कर्व कहाँ है कर्व है और यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करिएगा लगभग कैसा आ रहा है मैंने टेंजेंट लगभग हॉरिजॉन्टल आ रहा है तो बताइए यहाँ पर स्लोप कितना है तो स्लोप यानी कि डी यू बाई डी आर जीरो है और फोर्स क्या होता है माइनस ऑफ डीयू बाय डी आर अरे तो डीयू बाय डी आर जीरो है तो फोर्स भी ओ माय गॉड ये वो पोजीशन है जिस पोजीशन पर एक बार फिर से दोनों एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है दोनों एक दूसरे पे नेट फोर्स कितना लगा रहा है जीरो लगा रहा है ठीक है चलिए देखते हैं चौथे नंबर पोजीशन की बात करते हैं अब हम मतलब हम कहां की बात कर रहे हैं एट डी की बात कर रहे हैं तो ये इस पर किस डायरेक्शन में या कितना फोर्स लगाएगा ये जानने के लिए हम कर्व ढूंढेंगे ना तो वो कर्व ढूंढेंगे तो बताओ हमको कर्व कहाँ मिलेगा अगर यहां से हम चलते चले जाए तो कहीं यहां ना मिला बोलो अब यहां पर जो स्लोप होगा उसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करना होगा तो बताओ इसका स्लोप कैसा है लाइन ऐसे झुक जाए तो स्लोप नेगेटिव होता है स्लोप नेगेटिव होने का मतलब हुआ डी यू बाई डी आर नेगेटिव है डी यू बाई डी आर क्या है नेगेटिव है और अगर डी यू बाई डी आर है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर तो माइनस ऑफ माइनस मिलके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा yes. मतलब किधर की तरफ फोर्स पॉजिटिव फोर्स इधर है कि उधर नहीं नहीं पॉजिटिव डायरेक्शन उसी, उसी को ना मान रहे हो तो इस पर फोर्स लगेगा अरे बाबू किधर की तरफ इधर की तरफ लगेगा फोर्स किधर लगेगा इधर की तरफ लगेगा ठीक है फोर्स इधर की तरफ लगेगा सही है और इसको बोला जाएगा रिपल्सिव फोर्स अब देखिए हो क्या रहा है हो ये रहा है कि Cl- को अगर आप एकदम इनफाइनाइट पर रखिएगा बहुत दूर रखिएगा तो ये उसको ऊपर कोई फोर्स लेकिन किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर लाकर रखिएगा ना Na+ Cl- को अट्रेक्ट करेगा सो बुलाएगा अब इधर आप ठीक एक ऐसी जगह यहां पर इस वाले डिस्टेंस पे एन ए प्लस सीएल माइनस पर कितना फोर्स लगाएगा फिर से जीरो मतलब पहले तो बुला रहा था लेकिन जब वो आ हाँ गया तो अब कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं लगा रहा है लेकिन अगर ये Cl और आगे आना चाहे और करीब आना चाहे अब ये उसको क्या करेगा अब उसको धक्का देगा भगाएगा उसको कि दूर मुझसे है कि नहीं तो मैंने मिला जुला के इसके उधर अगर आप सीएल माइनस को इधर करिएगा तो ये उसको क्या देगा अट्रैक्ट करेगा और इधर करिएगा तो ये इसको यानी एन प्लस हमेशा चाहेगा कि सी माइनस कहां रहे इस सी पर ही रहे नहीं समझे आप नजदीक लाएगा तो क्या करेगा धक्का देगा दूर भगाएगा और इससे दूर जाइएगा तो क्या करेगा बुलाएगा यानी एन प्लस क्या चाहता है सी माइनस कहां रहे यहीं पर रहे ना करीब आए ना दूर जाए आप समझ रहे हैं इसीलिए सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना स्टेबल होता है आप इसको जैसे मान लीजिए आप इसको खींचिएगा ना तो आपको भले यकीन ना हो लेकिन बाबू थोड़ा सा खींचने से जीरो पॉइंट जीरो 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 वन मिलीमीटर ही सही लेकिन थोड़ा सा लेंथ इसका क्या हुआ होगा बढ़ा होगा यानी इनके बीच का सेपरेशन क्या हुआ होगा बढ़ा होगा थोड़ा सा लेकिन जैसे ही आप ये जो फोर्स लगा रहे उसको जैसे हटा लीजिएगा तो वापस से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके फिर से इसी सेपरेशन पर आ जाएगा अरे बोलिए हाँ तो हम यहां आयंस की बात कर रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको इंटर आयनिक डिस्टेंस बोला जाएगा अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें अब जैसे मान लीजिए कि अब ये पेन जो है किससे बना होगा मॉलिक्यूल से कई सारे मॉलिक्यूल से बना होगा पॉलीथीन के मोलिक्यूल से, से बना होगा मेरे ख्याल से ठीक है तो हर दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना उसके लिए भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा उसके लिए भी एक फिक्स्ड डिस्टेंस आएगा जहां पे दोनों एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा होगा जिस सेपरेशन से ज्यादा करने पर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और जिस सेपरेशन से कम करने पर दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा तो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये डिस्टेंस इंटर मोलिक्यूलर डिस्टेंस होता है एटम्स की बात करें तो ये डिस्टेंस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है लेकिन ग्राफ सबके लिए ऐसा बनता है सही है चलिए एक बात और दो जगह ऐसा है जहां पर दोनों एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है एक है कहा, पे, कहा है? और एक है? इस वाले पे। आप बताइए दोनों अपने आप को ज्यादा स्टेबल कहां महसूस करेगा यहां पर ज्यादा स्टेबल महसूस करेगा दोनों एक दूसरे दोनों एक दूसरे पे तो फोर्स नहीं लगा रहा है तो दोनों इस सेपरेशन पर ज्यादा स्टेबल महसूस करेगा कि इस सेपरेशन ज़्यादा स्टेबल महसूस करेगा कहां पे C पे C पे सी सी क्यों क्यों रहेगा तो बॉन्ड बन जाएगा बॉन्ड क्या बन रहा है यहां पर भी दोनों एक दूसरे पे नेट फोर्स जीरो लगा रहे ना ये इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है ना ये इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है तो यही पे क्यों ज्यादा स्टेबल होगा इस सेपरेशन पे ज्यादा स्टेबल क्यों नहीं होगा तो इसका जवाब ये है इसका जवाब फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो तुम लिखो कहीं लिखो ठीक है पहले मैं जो बात बोल रहा हूं वो सुन लो और बाद में मैं, मैं बताऊंगा क्या लिखना है बात ये है कि दुनिया का हर सिस्टम स्टेबल होना चाहता है बहुत बड़ी बात हो गई क्या ये तुम लोग भी इधर आके काय पढ़ रहा है जिंदगी में स्टेबल होने के लिए है कि नहीं तो कोई भी चीज जो है वो क्या होना चाहता है और याद रखिएगा फिजिक्स की बात करें तो स्टेबल होने के लिए हर सिस्टम हमेशा अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहता है यानी कि अगर आपको स्टेबिलिटी को बढ़ाना है पोटेंशियल एनर्जी को कम करना पड़ेगा स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी को करना पड़ेगा अरे बोलो जल्दी इस पेन को अगर छोड़ा जाए कहा जाता है क्यों नीचे जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो है है आम आंसर। ये कोई भी बताएगा। ये नीचे इसीलिए जाता क्योंकि इस पर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा इसका मेंटोस आंसर मैं तुमको बताऊं क्या होगा यह नीचे इसलिए जाता है ताकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो सके और ये पहले से ज्यादा स्टेबल महसूस कर सके आप समझ रहे हैं धरती को और इस पेन को दोनों को यह बात पता है कि अगर हम एक दूसरे के जितना करीब रहेंगे हम लोगों की पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी इसीलिए दोनों एक दूसरे के करीब जाना चाहिए इसीलिए यह भी इसको अपनी तरफ खींचता है और ये भी उसकी तरफ जाता है, है कि नहीं तो इसका एक जवाब तो ये हो गया कि इस पर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है इसीलिए नीचे जा रहा है तो पूछने वाला ये भी पूछ रहा है कि तब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे ही कहें लगा है ऊपर क्यों नहीं लगा है बोलिए ना क्योंकि अगर नीचे फोर्स लगेगा तो ये कहाँ जाएगा नीचे जाएगा और इससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और ये पहले से ज्यादा स्टेबल महसूस तो दुनिया में कुछ भी अगर अपने आप हो रहा है ना तो समझ लीजिएगा वहां उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है कम हो रही है बोलो जल्दी हवाएं बह रही हैं हवा मान लो इधर से उधर अपने से अगर बह रहा है समझ जाना कि ऐसा होने से सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा होगा बोलो ठीक है तो ये चीज आप किताब में कहीं लिखिए में दो चार पांच गो स्टार भी लगा दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट का अगर हम अब हम बहुत यूज करेंगे सिस्टम को अगर आपको स्टेबल करना है आपको उसकी पोटेंशियल एनर्जी को है? रुको ना बता रहे हैं। हो गया ठीक है अब सुनो, ऐसा है कि जब आपने सीएल माइनस को कहा रखा था ए पर रखा था तो पोटेंशियल एनर्जी लगभग लगभग कितना था कितना था? था। जीरो जब सीएल कहां था ए पर था तो पोटेंशियल एनर्जी लगभग लगभग कितना था जीरो था और जब सीएल माइनस को हमने यहां लाके रखा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्या? तो समथिंग माइनस में दस जूल ना है बोलिए ना आप जो मान सके आप माइनस में पचास जूल मानिए सौ जूल मानिए लेकिन होगा तो कुछ नेगेटिव में ही ना और अच्छे खासे अमाउंट में नेगेटिव में होगा आप बताइए कहाँ सी एल माइनस को रखने पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम आ रहा है यहां पर जीरो को कम माना जाएगा सबसे कम किसको माना जाएगा इस पोजीशन इस, इस पे ना सबसे कम माना जाएगा तो जिस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है बोलिए ना उसी पोजीशन पर सिस्टम अपने आप को सबसे ज्यादा स्टेबल महसूस करेगा यानी प्लस और सी एल माइनस हमेशा चाहेगा कि वो डिस्टेंस पर है वो इनफाइनाइट पे भी रहना पसंद नहीं करेगा क्लियर है तो ये बात है अच्छा एक चीज आखिरी बात मैं और समझा दूं आपको थोड़ा ऐसा आश्चर्य हो रहा होगा कि सर ये बात समझ में नहीं आया कि क्यों जब सेपरेशन इतना था तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था बोलो और जब सेपरेशन इतना कर दिए तो दोनों एक दूसरे को क्या करने लगा रिपेल करने लगा तो इसके इसके लिए ना हमको थोड़ा सा एटम्स को अंदर से जाके देखना पड़ेगा आप बताइए एन प्लस एन प्लस में सबसे पहले बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे हाँ तो याद रखेगा जो एटॉमिक नंबर होता है जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है तो एटॉमिक नंबर एन का कितना होता है ग्यारह तो ग्यारह को प्रोटॉन होगा यानी ग्यारह को पॉजिटिव चार्ज है सामान्य के चलो मैं गिन के नहीं ड्रॉ कर रहा हूं समझ लेना लेकिन तुमने तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकलना दिया है तो इलेक्ट्रॉन दसे को बचेगा जिसमें से दो गो रहेगा कहाँ पहले सेल में बाकी आठ को एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ को कहां रहेगा दूसरे सेल में रहेगा सही है दूसरे सेल में रहेगा अगर हम सी एल माइनस की बात करें तो बाबू सीएल माइनस के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे सत्रह हो एक दो तीन चार पाँच छः समझ लेना ये मैंने टोटल कितना प्रोटॉन ड्रॉ कर दिया सत्रह हर प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसीलिए ऐसा दिखा दिया और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे अठारह अरे अठारह ही ना होगा सत्रह खुद का था एक एन ने दे दिया है तो दो आठ और आठ में जाएगा एक दो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ एक दो तीन चार पांच छ सात अब सुनो देखो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कर क्या रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ दो काम कर रहे हैं अट्रैक्शन वाला काम भी और रिपल्स कैसे समझाता हूं मैं ये जो न्यूक्लियस है वो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा होगा खींच रहा होगा समझ में आई बात एट द सेम टाइम न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को धक्का भी तो दे रहा होगा ये नहीं समझ में क्यों क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव पॉजिटिव को तो यहां दोनों हो रहा है अट्रैक्शन भी हो रहा है और रिपल्सन भी एट द सिमिलरली ये जो न्यूक्लियस है वह इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा होगा अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा होगा बोलो सिमिलरली ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस न्यूक्लियस को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल भी करें मतलब मिला जुला के ये इसके कुछ हिस्से को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं और कुछ हिस्से को रिपेल भी कर रहे हैं अब नेट इसका क्या होगा ये डिपेंड करेगा फोर्स ज्यादा है कि रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है तो जब हम इस सेपरेशन पर रखते हैं ना तो ये चलिए न्यूक्लियस की ही बात कर ले खाली अरे बोलो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को जो अट्रैक्ट कर रहा है वो ज्यादा फोर्स लगा के अट्रैक्ट कर रहा है और न्यूक्लियस न्यूक्लियस को जो रिपेल कर रहा है वो कम फोर्स लगा के रिपेल कर रहा है जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स को वो न्यूटन का फोर्स लगा के अट्रैक्ट कर रहा है और न्यूक्लियस को बस ही न्यूटन का फोर्स लगा के रिपेल कर रहा है तब भी दो न्यूटन का फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का आ गया कि नहीं इसीलिए ये इसको क्या कर लेगा अट्रैक्ट कर लेगा नहीं समझे वही सीएल माइनस को जब हम यहां लेके आ जाएंगे क्या कर देंगे यहां लेके आ जाएंगे तो पता है क्या होगा ये जो न्यूक्लियस है वो इसके न्यूक्लियस को अगर दस न्यूटन का फोर्स लगा के रिपेल कर रहा है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को भी दस ही न्यूटन का फोर्स लगा के अट्रैक्ट करेगा तो रिपल्सन वाला फोर्स अट्रैक्शन वाला फोर्स दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा और नेट फोर्स कितना लगने लगेगा जीरो लगे ये बात समझ में आ रही है इसीलिए यहां पर लाने पर नेट फोर्स जीरो हो गया और जब हम इसके करीब करेंगे तब पता चलेगा कि न्यूक्लियस पे जो फोर्स लग रहा था वो ज्यादा हो गया और पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था वो कम हो गया तो नेट फोर्स जो है रिपल्सिव नेचर का हो जाएगा नहीं समझ रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ रीजन होता है ठीक है ठीक है चलिए हम लोग मिलते हैं